हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रंगोली बनाने का बहुत ही आसान तरीका। रंगोली बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम अपने घर में किचन में कहीं भी नज़र डालेंगे तो हमें वहाँ पर बहुत ही अच्छे टूल्स मिल जाएंगे और इसमें हमें कोई पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी रंगोली बनाना नहीं आता है तो मैं आज आपको बताऊंगी आप अपने किचन में पड़े हुए कुछ सामान की मदद से कैसे बहुत ही आसानी से रंगोली बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रंगोली बनाना। सबसे पहले आपको लेनी है इस तरह की कोई भी प्लेट। आप जितनी भी साइज की रंगोली बनाना चाहते हैं उस हिसाब से प्लेट ले लीजिए और उसे इस तरह से उल्टा रखिए। अब यहाँ पर सर्कल में हमें डॉट्स बनाने हैं, तो उसके लिए इस तरह की जो पैकिंग में कलर्स आते हैं तो आपको बस यहाँ से थोड़ा सा कट लगाना है, बस इतना सा कट लगाना है। तो इसे इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसकी मदद से ही यहाँ पर डॉट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली इस तरह से डॉट बन जाते हैं। अगर इस तरीके से आपके पास डॉट नहीं बनते हैं तो आप इस तरह की कोई भी बोतल ले सकते हैं जिसका इस तरह का कैप है। तो आप इस तरह से बहुत ही इजीली डॉट बना सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही सुंदर डॉट बन गए हैं। अब इस ट्रे को हम निकाल लेंगे। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह के बड़े बाउल का और इसे मैं मिडल में रख दूंगी। अब यहाँ पर मिडल में रंगों को फिल करने के लिए इस तरह की हमें सॉल्ट बॉटल का यूज करना है। इसकी मदद से हम बहुत ही इजीली यहाँ पर रंगों को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रंगों को फिल कर लिया है, अब इसे हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर बीच में मैं एक छोटा सा बाउल उल्टा रखूंगी और डॉट बनाने के लिए मैं इस तरह की बोतल का यूज कर रही हूँ। आप फेविकोल की बोतल का यूज कर सकते हैं, उसे वॉश करके ऊपर की कैप को कट कर लीजिए। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से डॉट बना सकते हैं। अब एक पैन की मदद से आप डॉट को इस तरह से डिजाइन में बदल सकते हैं। अब बाउल की मदद से इसे इस तरह से दबा दीजिए। अब हम कांटा चम्मच की मदद से यहाँ पर डेकोरेट करेंगे। तो बस आप इस तरह से कांटा चम्मच की मदद से यहाँ पर डेकोरेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर के थोड़े से बड़े डॉट बना लेंगे। अब इस स्पून की मदद से हम इसे इस तरह से दबा लेंगे। आपको बस हल्का सा प्रेशर देके इसे इस तरह से खींचना है। तो ये बहुत ही सुंदर लीफ की शेप बन गई है। अब इस तरह की कोई भी पेन की मदद से आप इसे इस तरह से फैला लीजिए। तो ये हमारा लीफ और भी ज्यादा सुंदर बन गया। अब हम यहाँ पर साइड में डॉट बना लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा येलो कलर फिल कर देंगे। तो इस तरह से हम लीफ का शेप बना लेंगे। मुझे भी ज्यादा रंगोली बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर तो मुझे लगा कि ये बहुत ही आसान है। मैंने कोशिश किया तो ये बहुत ही आसानी से बन गई। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी इस तरीके को शेयर करती हूँ और भी ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश मैंने की है। ज़्यादातर टूल्स हमें अपने किचन में ही मिल जाते हैं, इसीलिए इसे बनाना और भी ज़्यादा आसान है।
तो अगर आपको कलर की सूझबूझ है तो आप बहुत ही अच्छी तरह की रंगोली बना सकते हैं, तो आप भी इस आइडिया को जरूर ट्राई करें। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, दीपावली एंजॉय करें। हैप्पी दीपावली।